Rahat et. विराट सर, आपने अपनी दवाई खाई? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब मैं हॉस्पिटल से घर लौटकर आई थी तब आप मेरे कमरे में रोज आते थे और देखते थे कि मैंने दवाई ली या नहीं ली, है ना? तो फिर मैं तो इसी कमरे में हूं ना, मैं तो चेक करूंगी। मैं रोने में चेक करने से रुकूंगी। एक काम करो, इस कमरे में मत रहो। गुड ट्राई, लेकिन फेल ट्राई, क्योंकि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। मैं यहीं रहूंगी। और ये प्रेसिंग करनी है ना, चलिए बैठिए। कोई जरूरत नहीं है। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ आपको, ड्रेसिंग करनी है, चलिए बैठिए। बैठिए। वेरी गुड। बस हो गया। देखिए, हो गया ना जल्दी जल्दी। कितना नाटक कर रहे थे। न जाने कितनी बार इस लड़की को इस घर से और विराट की जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंका गया है, लेकिन हर बार ये मेरी बदकिस्मती बनकर वापस आ जाती है। जमीन पे सोना पड़ेगा, वैसे ही कमर में दर्द है, अब जमीन पे सोकर और दर्द हो जाएगा। वैसे कितनी थकी हुई हूँ। खैर सही, क्या ही कर सकते हैं। क्या है, मैं कब से बोल रही हूँ और आप है कि कानों में रुई ठोस के रखी है। देखिए, मुझे पता है इतनी जल्दी कोई सोता नहीं, आप सोए नहीं है। देखा, मुझे पता था नहीं सोए हैं। तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं इस कमरे में। तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं ये कहूंगा? सही, तुम नीचे क्या कर रहे हो? ऊपर आ जाओ, बेड पर सो जाओ। मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते मैं आपके बगल में आके सोऊं, और मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि इस हालत में आपके बिस्तर पे कब्जा कर लूं, लेकिन मैं आपको कहीं और अकेले जाके सोने भी नहीं दूंगी, अपनी गैर मौजूदगी में तो बिल्कुल नहीं। वैसे मैं आपका ख्याल रखूं, इसमें आप ही का फायदा। मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, आपकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखूंगी। बीपी चेक मैं कर सकती हूँ, पल्स चेक कर सकती हूँ, अरे दवाइयों का ख्याल रख सकती हूँ, और ड्रेसिंग चेंज कर सकती हूँ, सब कुछ मैं कर सकती हूँ। वाह, क्या बीवी मिली है, शाबाश। तुम पहले ही बहुत कुछ से भी ज्यादा कर चुकी हो मेरे लिए, इसलिए प्लीज अब कोई एहसान मत करना मुझ पर। और मैं पहले ही तुम्हें थैंक यू बोल चुका हूँ उन सारी चीजों के लिए जो मैंने तुम्हें करने के लिए कही भी नहीं थी।
सो प्लीज ये ऐसे जमीन पर लेटकर मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस मत करना। ये ब्लास्ट से तो मैं मरा नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे एहसानों तले दब के जरूर मर जाऊंगा मैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ सो, सॉरी मैं आपके बगल में सो जाऊं? अरे कितनी अच्छी बात है, थैंक यू, कितने अच्छे आप। एक आगे आई हो? नहीं नहीं, खंडोबा खंडोबा नो। तो फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? अब मेरा गुस्सा फर्नीचर पे क्यों निकाल रहे? इतना तेज फर्नीचर को मारा, मुझे तो लगा तोड़ ही दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं गुस्से में और कुछ तोड़ दूं, चुपचाप जहां तुम बैठी थी अभी वहीं सो जाओ। मुझे पता है आप नहीं चाहते थे कि मैं नीचे फ्लोर पे सोऊं, इसीलिए आपने मेरे लिए अलग बेड का इंतजाम कर दिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सही कहते हैं लोग, केयर ना बताई नहीं जाती, ऐसे दिखाई जाती है। एक चीज होती है बेसिक कर्टसी, तुम्हें तो नहीं पता होगा, तुम सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में यकीन रखती हो ना। या तो किसी के लिए जान देने की बात करोगी या जान लेने की, उसके बीच का तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा। मुझे तो लगा था कि विराट ने साई को कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन विराट ने साई के लिए अलग से बेड बना दिया। मैं कर दूं हेल्प? बिल्कुल नहीं, नो थैंक यू। अच्छे से सोइए। तुम्हारे साथ एक कमरे में मुझे घुटन होती है, तुम्हारी शक्ल देखने से सांस लेने में तकलीफ होती है मुझे। आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी ना, कोई बात नहीं, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ, तथास्तु। कहाँ फंस गया यार? तुम फिर से तांग झांक करने लगी, सई और विराट के बीच में क्या हो रहा है? क्या कर रही है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो एरिया आपका, ये एरिया मेरा, हम दोनों का अलग अलग कमरा, अपनी पर्सनल स्पेस। ये नौटंकी करने को किसने कहा तुमसे? आपने,
आप ही ने तो कहा था कि आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी है, तो मैंने आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया। नाइस ना? मेरी प्रॉब्लम तुम हो फिलहाल, जिसका सलूशन मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, अगर प्रॉब्लम यहाँ से निकल जाए तो कुछ हो सकता है। सॉरी, नॉट पॉसिबल। हाँ, एक काम हो सकती है, आप ना अच्छे से आराम कीजिए ताकि आपको ना खूब ताकत मिले इस प्रॉब्लम को झेलने की। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नहीं विराट सर, मुझे ये सब बिल्कुल मजाक नहीं लग रहा है, इसलिए तो मैं सीरियसली कोशिश कर रही हूँ कि आप मेरी गलतियों को माफ कर दें। गुड नाइट विराट सर।